जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब द्वारा लिखी गई बुद्धा और कार्ल मार्क्स का जो पहला चैप्टर है द क्रीड ऑफ द बुद्धा, मतलब जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनके बारे में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। उस चैप्टर को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। द क्रीड ऑफ द बुद्धा, चैप्टर नंबर 1 ऑफ बुद्धा और कार्ल मार्क्स, रिटन बाय बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसमें जो बाबा साहब है वो बताते हैं कि जनरली जो लोग हैं वो बुद्धा के बारे में जब बात करते हैं तो वो सिर्फ अहिंसा के बारे में बात करते हैं, कि जो बुद्धा है उन्होंने सिर्फ अहिंसा की टीचिंग दी है, कि उन्होंने ओनली नॉन वायलेंस सिखाया, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही समझते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि बुद्धा ने सिर्फ नॉन वायलेंस की बात नहीं की, नॉन वायलेंस के अलावा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। जो अहिंसा है, जो नॉन वायलेंस वाली जो बात है, वो तो सिर्फ उन बहुत सारी बातों में से सिर्फ एक ही बात है। तो फिर ऐसा बोलते हुए बाबा साहब ने कहा कि जो उन्होंने जो त्रिप्तिका पढ़ी है, जो त्रिप्तिका उन्होंने पढ़ी है, उससे उन्होंने क्या सीखा है, कि बाबा साहब ने क्या शिक्षाएं दी हैं, उसके बारे में बाबा साहब ने आगे बात की है। तो उन सारी बातों को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बात की है और उनको समराइज किया है एक तरह से। तो जो पहली बात है वो है कि रिलीजन इज नेसेसरी फॉर ए फ्री सोसाइटी। ये कहा है कि जो धर्म है वो फ्री सोसाइटी, एक खुली सोसाइटी के लिए रिलीजन जरूरी है। नॉट एवरी रिलीजन इज वॉर्थ हैविंग। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जो हर रिलीजन है वो मतलब उसको मानना जरूरी नहीं है, कि क्योंकि हर रिलीजन वो इस लायक नहीं है होता कि उसे माना जाए। मतलब नॉट एवरी रिलीजन इज वॉर्थ हैविंग, हम हर रिलीजन को नहीं मान सकते या हर रिलीजन को एक तरह से कबूल नहीं कर सकते, हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो हर धर्म है वो मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हो या इतनी ऐसी बातें हो कि हम उसे मान लें। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जो रिलीजन है वो जीवन के सत्यों के बारे में बताना चाहिए। रिलीजन मस्ट रिलेट टू फैक्ट्स ऑफ लाइफ। जो जीवन के सत्य हैं, फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, जो जीवन के तथ्य हैं उनके बारे में बताया, ना कि स्पेकुलेशंस अबाउट गॉड, सोल, हेवन और अर्थ, ना कि मतलब स्पेकुले गॉड के बारे में बात करें या आत्मा के बारे में बात करें, हेवन या अर्थ के बारे में बात करें, उस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब रिलीजन का जो मेन उद्देश्य है वो इंसान की जिंदगी के सत्य को बताना है, इंसान की जिंदगी के फैक्ट्स को बताना है, ना कि किसी भगवान, किसी आत्मा, किसी स्वर्ग या किसी पृथ्वी के बारे में बात करना है। जो चौथा पॉइंट है वो है इट इज रॉन्ग टू मेक गॉड द सेंटर ऑफ रिलीजन। भगवान को किसी भी धर्म का सेंटर, केंद्र बना देना वो बिल्कुल गलत बात है। पांचवा पॉइंट है इट इज रॉन्ग टू मेक द सल्वेशन ऑफ द सोल एज द सेंटर ऑफ रिलीजन। मतलब जो पांचवा पॉइंट है वो कहना चाहता है कि जो आत्मा है, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसी चीज को हम धर्म का सेंटर बना दें, केंद्र बना दें, वो बिल्कुल गलत बात है। सिक्स पॉइंट है इट इज रॉन्ग टू मेक एनिमल सेक्रीफाइसेस टू बी द सेंटर ऑफ रिलीजन। एनिमल सेक्रीफाइस करना, पशुओं की बलि देना, इसको धर्म का केंद्र बना देना, कि भैया धर्म के अंदर ये चीज होती है, ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। रियल रिलीजन लिव्स, सेवंथ पॉइंट है रियल रिलीजन लिव्स इन द हार्ट ऑफ मैन एंड नॉट इन द शास्त्रास। जो सच्चा धर्म है वो मनुष्य के हृदय में बसता है, मनुष्य के मन के अंदर बसता है, ना कि किसी धर्मशास्त्र के में बसता है। ये सातवां पॉइंट है। जो आठवा पॉइंट है वो है कि जब ये सब बातें, अगर जो ऊपर की सातों बातें, ऊपर की जो चीजें बताए हैं पॉइंट्स की, अगर वो रिलीजन के सेंटर नहीं, तो रिलीजन का सेंटर क्या है? रिलीजन का जो मेन सेंटर है वो है मैन एंड मॉरलिटी। जो इंसान और इंसान की नैतिकता है, इंसान और इंसान की नैतिकता है, वही धर्म का सेंटर होना चाहिए, वही धर्म का मुख्य टेनेंट, मुख्य केंद्र वही होना चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? मैन एंड मॉरलिटी, मतलब मनुष्य और मनुष्य की नैतिकता, वही सेंटर ऑफ रिलीजन होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब किसी धर्म की जो सेंटर है वो मनुष्य और मनुष्य की नैतिकता, अगर उस धर्म के सेंटर नहीं है, उसका केंद्र बिंदु नहीं है, उसका मुख्य शिक्षा नहीं है, उसका मुख्य टेनेंट अगर वो नहीं है, तो वो रिलीजन कुछ और नहीं, बस एक क्रूर सुपरस्टिशन होगा। मतलब बाबा साहब इस पॉइंट के अंदर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई जो मैं मनुष्य और मनुष्य की नैतिकता अगर किसी धर्म की केंद्र नहीं है, तो अगर फिर ऐसा अगर कोई धर्म है जिसमें मनुष्य और मनुष्य की नैतिकता उसका सेंटर नहीं है, उसका केंद्र नहीं है, तो वो धर्म और कुछ नहीं, वो एक क्रूर सुपरस्टिशन, मतलब एक अंधविश्वास, वो भी बहुत क्रूर किस्म का अंधविश्वास बन जाएगा वह धर्म। मतलब
किसी भी धर्म का अच्छा तभी होगा, वो धर्म अच्छा तभी होगा जब मनुष्य और मनुष्य की नैतिकता उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और अगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं होगा तो वो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास बन जाएगा। ये इस पॉइंट में कहा गया। अगला पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट है कि इट इज नॉट एनफ फॉर मॉरेलिटी टू बी द आइडल ऑफ लाइफ, सिंस देयर इज नॉट गॉड इट मस्ट बिकम द जॉ ऑफ लाइफ। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो मॉरेलिटी है वो हमारी जिंदगी का सिर्फ एक आइडल ही नहीं होना चाहिए कि भाई ये सिर्फ एक आइडल है कि हाँ यार हमें जो मॉरल होना चाहिए, हमें एक नैतिक इंसान होना चाहिए, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। मॉरेलिटी को जॉ ऑफ लाइफ बनना पड़ेगा। जॉ ऑफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि मॉरेलिटी को जिंदगी का सर्वे सर्वा, मतलब बिल्कुल जिंदगी का सर्वे सर्वा मतलब सुप्रीम बनना पड़ेगा। बिल्कुल जो नैतिकता है, जो मॉरेलिटी है, जो नैतिकता है उसको हमारी जिंदगी के अंदर हमको एक तरह से सुप्रीम सुप्रीम इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। जो नैतिकता है, मॉरेलिटी है, उसको हमारी जिंदगी के अंदर हमको सुप्रीम इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें नैतिकता ही को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑब्वियसली जो बौद्ध धर्म भी है वो एक तरह से नैतिकता के आधार पर ही है। मतलब जो मॉरलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का। तो यही बाबा साहब ने इस चीज को बोला है, क्योंकि नाइन्थ पॉइंट में यही चीज बोली है कि भाई क्योंकि कोई भगवान है नहीं, इसलिए हमें जो नैतिकता है, मॉरलिटी है, उसको ही हमें जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे सुप्रीम पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने इस नाइन पॉइंट में बोला है कि मॉरलिटी को सिर्फ हमें इतना बोल दे कि यार मॉरलिटी, इंसान को मॉरल होना चाहिए, इतना बोल के काम नहीं चलेगा। सिर्फ कि भाई हाँ यार इंसान को अपनी जिंदगी में मॉरलिटी होनी चाहिए, इतना बोल के काम नहीं चलेगा। इंसान को मॉरलिटी को अपनी जिंदगी का एक सुप्रीम चीज बनाना पड़ेगा, जॉ ऑफ लाइफ, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाना पड़ेगा। ऐसा बाबा साहब ने नाइन पॉइंट में बोला है। टेंथ पॉइंट में बाबा साहब बोलते हैं कि जो और द फंक्शन ऑफ रिलीजन इज टू रिकंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड एंड टू मेक इट हैप्पी एंड नॉट टू एक्सप्लेन इट्स ओरिजिन और इट्स एंड। मतलब जो धर्म का जो मेन काम है वो है दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट करना। रिकंस्ट्रक्ट करना मतलब जो भी दुनिया में जो कमियां हैं उनको हटाना और एक दोबारा से दुनिया को बनाना और दुनिया को खुश रखना, एंड टू मेक इट हैप्पी, है ना, दुनिया को खुश रखना, ये धर्म का काम है। दुनिया को नए सिरे से बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना और उसको हैप्पी करना, दुनिया को मेक इट हैप्पी, ये उसका काम है। धर्म का काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस चीज को एक्सप्लेन करे कि ये दुनिया कब बनी थी, कब खत्म होगी, मतलब इस तरह के जो ये एब्जर्ड जो क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्वियसली आर नॉट द फंक्शंस ऑफ रिलीजन, आर नॉट द विद इन द रिजाइम ऑफ रिलीजन बट इन द रिजाइम ऑफ साइंस। मतलब ये जो चीज है ये धर्म का काम नहीं है कि दुनिया ये एक्सप्लेन करे कि भाई ये दुनिया कब बनी थी या ये संसार कब बना था, ये कब खत्म होगा, ये धर्म का काम नहीं है। ऐसा बाबा साहब इस चीज के अंदर, इस टेंथ पॉइंट के अंदर बोलते हैं। और सिर्फ जो धर्म का काम है वो है खुशियां, दुनिया को खुश रखना और दुनिया को एक तरह से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, ये धर्म का काम है, ना कि इस चीज को एक्सप्लेन करे कि वो दुनिया बनी कैसी थी या उसका अंत कैसा होगा। जो 11th पॉइंट है उसमें बाबा साहब बोलते हैं कि दैट द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द ओनली वे टू सॉल्व इट इज टू फॉलो द अष्टांग मार्ग। जो भी हैप्पीनेस है इस दुनिया के अंदर, जो भी दुख है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो ए है, ए के इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं बी के इंटरेस्ट से, एक्स का इंटरेस्ट प्रभावित होता है वाई के इंटरेस्ट से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब एक दूसरे के जो फायदे का जो टकराव हो रहा है उसके कारण से दुनिया में अनहैप्पीनेस होती है। तो इस चीज को खत्म होने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए अष्टांग मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा बाबा साहब इस 11th पॉइंट के अंदर बोलते हैं। जो 12th पॉइंट है उसमें बाबा साहब बोलते हैं द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ब्रिंग्स पावर टू वन क्लास एंड सोरो टू अनदर। अगर कोई प्राइवेट ओनरशिप, किसी प्रॉपर्टी का प्राइवेट ओनरशिप करते हैं तो वो एक क्लास को तो सुख लाता है, दूसरों को दुख लेके आता है। 13th के पॉइंट के अंदर बाबा साहब बोलते हैं दैट इट इज नेसेसरी फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी दैट दिस सोरो बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग इट्स कॉज। तो इस 13th पॉइंट में बोलते हैं कि जो ये सोसाइटी का जो ये दुख है उसको रिमूव किया जाए, और रिमूव करने के लिए जो इसका कारण है उसको रिमूव किया जाए। 14th पॉइंट है उसमें बोलते हैं बाबा साहब कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, सभी मनुष्य समान है। 15th पॉइंट है वर्थ एंड नॉट बर्थ इज द मेजर ऑफ मैन। मतलब किसी भी इंसान की अगर हम उसको माने, उसकी क्वालिटी माने, तो वो उसकी खुद की क्वालिटीज क्या हैं, है ना, उसकी खुद की कीमत क्या है वो इंपॉर्टेंस रखती है, ना कि उसका बर्थ। मतलब वो किस धर्म में, किसी जाति में, कौन से संप्रदाय में, है ना,
जन्म लिया है वो चीज मैटर नहीं करती, उसमें खुद में क्या क्वालिटीज है, उसकी खुद की वर्थ क्या है वो इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसा 15वें पॉइंट पे बोलते हैं बाबा साहब। 16वां पॉइंट है व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाई आइडल्स एंड नॉट नोबल बर्थ। मतलब जो हाई आइडल्स मतलब जो ऊंची सोच है वो मैटर करती है, वो इंपॉर्टेंट होती है, ना कि ऊंचे खानदान में पैदा होना, वो मैटर नहीं करता। 17वां पॉइंट है मैत्री और फॉलोशिप टूवर्ड्स ऑल मस्ट नेवर बी अबेंडेंड वन ऑज इट इवन टू इट्स एनिमी। तो मैत्री मतलब मित्रता और फेलोशिप, मित्रता जो है फ्रेंडशिप जो है ठीक है, और फेलोशिप अपनापन किसी भी मनुष्य के साथ में एक जो मानवता वाला भाव होता है, एक अपनापन वाला भाव होता है, वो हर मनुष्य के मन में होना चाहिए। हर मनुष्य के मन में एक दूसरे मनुष्य के प्रति एक मित्रता का भाव, एक फेलोशिप का भाव, एक दोस्ती का भाव हमेशा होना चाहिए। वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और ये जो भाव है वो इवन हमें अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा भाव रखना चाहिए, क्योंकि यार सीधी सी बात है कि अगर हम सभी मनुष्य के प्रति एक फ्रेंडशिप वाला भाव रखेंगे तो हम उनसे अच्छे रिलेशनशिप हमारे बनेंगे और एक वो एक अच्छी बात होगी। और अगर इवन हम दुश्मन के लिए भी एक अच्छे भाव रखते हैं तो ठीक है यार, जो दुश्मनी हमने निभानी है वो मान लो निभानी है तो निभानी ठीक है, लेकिन फिर भी इवन वो दुश्मनी निभाने के बाद भी हमारे मन में मतलब एक बिल्कुल जो कड़वाहट आती है वो नहीं होनी चाहिए। तब भी इवन दुश्मनी निभाने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे मन में उसके प्रति एक मैत्री मित्रता वाला भाव होना चाहिए। तभी ऐसा होता है कि जो युद्ध है वो जीत जाते हैं, जो युद्ध जीतने वाले, लेकिन इवन देन तभी वो जो जिनको हराया है उनके साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं ठीक है। इवन युद्ध हरा दिया उसको सामने वाले को, लेकिन फिर भी उसके साथ में एक अच्छा बर्ताव करना, वो इस पॉइंट के अंतर्गत मैत्री फेलोशिप में आता है। अगला पॉइंट है 18 पॉइंट एवरीवन हैज अ राइट टू लर्न, लर्निंग इज एज नेसेसरी फॉर मैन टू लिव एज फूड इज। मतलब हर किसी को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार है, और लर्निंग पढ़ना जितना उतना ही मतलब जितना खाना जितना अपने लिए नेसेसरी है उतना ही शिक्षा भी हमारे लिए नेसेसरी है, लर्निंग भी हमारे लिए उतना ही नेसेसरी है, जरूरत है। मतलब खाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाई करना भी इंपॉर्टेंट है। 19 पॉइंट है लर्निंग विदाउट करेक्टर इज डेंजरस, लर्निंग विदाउट डेंजरस मतलब आपको एजुकेशन सारा नॉलेज तो है लेकिन अगर आपका करेक्टर सही नहीं है तो आप क्या करोगे उस नॉलेज का गलत यूज करोगे। इसलिए जरूरी है कि जो आपके एजुकेशन तो हो, एजुकेशन नॉलेज वॉलेज सब हो, लेकिन आपका करेक्टर भी अच्छा हो, क्योंकि अगर आपका करेक्टर अच्छा होगा तो ही आप उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। अदरवाइज उस ज्ञान को आप गलत तरीके से यूज करोगे जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नथिंग इज इनफॉलेबल, नथिंग इज बाइंडिंग फॉर एवर, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू इंक्वायरी एंड एग्जामिनेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज इनफॉलेबल, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि भाई वो मतलब उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सनातन हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो सनातन हो या हमेशा के लिए हो। जो भी चीज होती है, कोई आइडिया हो या कोई और कोई आइटम हो, ऑब्जेक्ट हो, स्पेशली यहाँ पर तो आइडियाज की बात की जा रही है, तो कोई भी आइडिया है वो इनफॉलिएबल नहीं होता, कोई भी आइडिया सनातन नहीं होता कि वो हमेशा ही रहेगा। सब्जेक्ट टू उसकी हमेशा एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उसको एग्जामिन करना पड़ेगा ठीक है, उसकी हमेशा इंक्वायरी होगी, एग्जामिनेशन होगा उसका, उस आइडिया का, उस थॉट का, और उसके बाद लगता है कि अगर वो सही है तो ही उसे अपनाया जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं बोल सकते कि हम भाई ये आइडिया सनातन है या हमेशा से चल रहा है तो ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो नेक्स्ट पॉइंट है 21 वो है नथिंग इज फाइनल, कुछ भी अंतिम नहीं है, कुछ भी अंतिम नहीं है ठीक है। मतलब कोई भी आइडिया, थॉट, कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं जो अंतिम है, अब इसके बाद तो कुछ और बात ही नहीं की जा सकती, नथिंग इज फाइनल। 22 पॉइंट है एवरीथिंग सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ कॉजेशन, एवरीथिंग सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ कॉजेशन। लॉ ऑफ कॉजेशन क्या है? लॉ ऑफ कॉजेशन ये है कि कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कोई भी चीज हो रही है तो वो किसी कारण से होती है ठीक है, बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होती, कोई ना कोई कारण है कि वो चीज हुई है। अगर वो चीज हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मतलब लॉ ऑफ कॉजेशन ये कहता है कि कोई ना कोई चीज अगर हो रही है, कोई प्रभाव है, तो उसका उस प्रभाव का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है जिसके कारण से वो चीज हुई है। तो लॉ ऑफ कॉजेशन का मतलब हो गया कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट मतलब कोई जो प्रभाव हुआ है उसका कोई ना कोई कारण है, तो इसको हम लॉ ऑफ कॉजेशन बोलते हैं। कि लॉ ऑफ कॉजेशन मतलब लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कोई चीज हुई है तो उसका कारण अवश्य होगा। तो जो भी चीज हम किसी चीज को हम क्रिटिसाइज करेंगे या किसी चीज को हम मानते हैं नहीं मानते हैं, वो सब्जेक्ट टू दिस लॉ, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को सब्जेक्ट
उसके अनुसार उसको माना जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नथिंग इज परमानेंट और सनातन, एवरीथिंग सब्जेक्ट टू चेंज, बींग इज ऑलवेज बिकमिंग। ठीक है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, कोई भी चीज सनातन नहीं होती, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, हर चीज परिवर्तनशील होती है, बींग इज ऑलवेज बिकमिंग, मतलब ये नई नई चीजें बनने का सिलसिला हमेशा से जारी रहा है, हमेशा नई नई चीजें बनती रहती है, पुरानी चीज हटती रहती है, नई चीज बनती रहती है, तो इसलिए कोई भी चीज सनातन परमानेंट नहीं होती। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 24, वॉर इज रॉन्ग अनलेस इट इज फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, जो युद्ध है वो गलत है जब तक कि वो सच और न्याय के लिए नहीं लड़ा जाए। अगर कोई युद्ध सच और न्याय के लिए लड़ा जाता है तो वो सही है, लेकिन अगर सच और न्याय के लिए नहीं लड़ा जाता है तो फिर वो युद्ध गलत है। जो 25 पॉइंट है वो है द विक्टर हैज ड्यूटीज टुवर्ड्स द वैनकिश, दिस इज द क्रीड ऑफ द, तो विक्टर हैज ड्यूटीज टुवर्ड्स द वैनकिश, जो युद्ध को जीता है उसकी ड्यूटीज हैं, उसकी मतलब ड्यूटीज हैं कि जो वो हारा गया है उसके प्रति भी उसकी ड्यूटीज है, मतलब द विक्टर हैज ड्यूटीज टुवर्ड्स द वैनकिश, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई एक्स है, एक्स ने वाई को हरा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो जो एक्स है वो वाई के साथ कुछ भी कर सकता है ना। युद्ध की भी कोई मॉरलिटीज होती है, युद्ध की भी नैतिकता होती है कि ठीक है आपने आपके दुश्मन को हरा दिया, लेकिन उसके बाद में आपको उस दुश्मन का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भाई सेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आप उसको गुलाम बना लोगे, वो बिल्कुल गलत होगा। तो विक्टर हैज ड्यूटीज टुवर्ड्स द वैनकिस्ट, ये 25th पॉइंट हो गया। तो इस तरह से जो बाबा साहब है उन्होंने बुद्धा की जो क्रीड है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनको उन शिक्षाओं को 25 पॉइंट्स के अंदर यहां पर समराइज कर दिया है। इन 25 पॉइंट्स के अंदर बाबा साहब ने बुद्धा की सारी टीचिंग को समराइज कर दिया है, और फिर आगे बोलते हैं दिस इज द क्रीड ऑफ बुद्धा इन ए समरी फॉर्म, बाबा साहब बोल रहे हैं कि दिस इज द क्रीड ऑफ बुद्धा, बुद्धा की टीचिंग्स हैं समरी फॉर्म में, हाउ एंशियंट बट हाउ फ्रेश, हाउ वाइड एंड हाउ डीप आर हिज टीचिंग्स, मतलब हाउ एंशियंट बट हाउ फ्रेश, मतलब इतनी प्राचीन है लेकिन आज के समय में भी इतनी फ्रेश है, बिल्कुल आज के समय में भी मतलब लागू होती है। ठीक है, इतनी प्राचीन है लेकिन आज भी इतनी फ्रेश हैं, इतनी कंटेम्प मतलब आज भी लागू हो सकती हैं, लागू होती हैं। हाउ वाइड एंड हाउ डीप आर हिज टीचिंग्स, हाउ वाइड मतलब कितनी विस्तृत हैं और कितनी गहराई है इनकी टीचिंग्स के अंदर, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, हमने इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।